सपोज कीजिए कि हम लोग अगर बात करें ऑब्लिक कोलिजन का, तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेट अस से देर आर टू बॉल्स, ठीक है, दे आर कोलाइडिंग एंड दिस कोलिजन इज ऑब्लिक, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑब्लिक कोलिजन की बात करें तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा। पहला कि इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन होता है उसे हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट। और लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही इंपल्स काम करता है, इंपल्स ऑफ नॉर्मल ड्यूरिंग कोलिजन इसी लाइन के अलोंग एक्ट करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब बात कर लें एक चीज का कि नंबर वन अगर हम लोग बोलें टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व अलोंग एनी डायरेक्शन, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। यानी कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, और इसके लिए कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अबाउट लाइन ऑफ इंपैक्ट या अबाउट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट ये कंजर्व रहेगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आपका जो भी सुविधा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जो भी आपको लग रहा है, ठीक है, जो भी आपका मानना है कि इसके अलोंग ये कंजर्व रहेगा वो रहेगा, ठीक है, लेकिन टोटल, टोटल नॉट इंडिविजुअल। अच्छा, एक और बात है, नंबर टू, इंडिविजुअल वेलोसिटी विल नॉट चेंज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट। यानी कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसका वेलोसिटी कोलिजन से पहले u1 था और इसका वेलोसिटी कोलिजन से पहले u2 था। ये m1 मास है और ये m2 मास है, ठीक है, और लेट अस से हमें एंगल भी पता है कि ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसका जो, इसका अभी दो कंपोनेंट कर सकते हैं, u1 cos थीटा 1, u1 sin थीटा 1, सिमिलरली u2 cos थीटा 2, U2 sin थीटा 2, है ना। तो मैं पैरेलल लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ परपेंडिकुलर। तो मेरा ये कहना है कि U1 sin थीटा 1 और U2 sin थीटा 2 जो है वो अनचेंज रहेगा, यानी कि कोलिजन के बाद भी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो यही रहेगी। इज दैट ओके? आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, कि E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये जो फॉर्मूला है दैट इज ट्रू ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। यानी कि हमारा जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट रहता है बस उसी के डायरेक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हम लोग लगा सकते हैं। ये मेरी बात समझ में आ रही है? एक एम मास का बॉल है, ये रेस्ट में है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, और दूसरा बॉल जो है वो यहाँ पे, तो लेट अस से दूसरा ये, और ये वी या यू वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, ठीक है, और ये जा करके इसको यहाँ पे हिट करता है, ठीक है, ये रेस्ट में था और ये दोनों आइडेंटिकल, इसका मास भी एम है, इसका मास भी एम है, और ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ठीक है, व्हाट विल हैपन आफ्टर
कलिजन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल रहे हैं कि चलिए ये हमारा रेस्टमेंट था, ठीक है, और दूसरा बॉल आ करके इसको यहाँ पर मैं हिट किया, ठीक है। तो हमारा लाइन ऑफ इंपैक्ट कौन सा हो जाएगा? इन दोनों के सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला ये लाइन जो है वो हमारा लाइन ऑफ इंपैक्ट है। अच्छा, इसका जो वेलोसिटी है इधर की तरफ यू था, सही है, सही है। अच्छा, अब देखिए, अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि इस यू का दो कंपोनेंट है ना, लेटर से ये एंगल थीटा बोल देते हैं, ठीक है, जस्ट हमें अभी कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट इसको हम लोग थीटा बोल देते हैं। तो इस U का दो कंपोनेंट हो गया, एक कंपोनेंट हो गया आपका U cos थीटा, ये वाला इधर हो जाएगा U cos थीटा, ये तो खैर जो होगा बाद में देखेंगे, और इधर इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा U sin थीटा, सही है। अच्छा, इसका वेलोसिटी तो जीरो है, तो इसके लिए कोई बात ही नहीं कर सकते हैं, मतलब इसका अलॉन्ग द लाइन ऑफ इंपैक्ट भी जीरो है और परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट भी जीरो ही है। तो हमें क्या पता है? हमें पता है कि किसी भी बॉल का जो वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट वो आफ्टर कोलिजन भी चेंज नहीं होता है। तो लेट अस ड्रॉ अ लाइन टू रिप्रेजेंट व्हाट हैपेंस आफ्टर कोलिजन। तो लेट अस से ये हमारा पहला बॉल, ये हमारा दूसरा बॉल आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन जो हमारा ये पहला बॉल था, ठीक है, उसका जो वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट वो u sin थीटा है और वो चेंज नहीं करेगा, मतलब कि ये u sin थीटा वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ता जाएगा। इज दैट ओके? ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट परपेंडिकुलर, तो हो गया पैरेलल कंपोनेंट के बारे में। तो ठीक है, अभी जस्ट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव लर्न्ड इन द हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आपने पढ़ा था कि जब दो आइडेंटिकल मासेस आपस में कोलाइड करते हैं, इसका वेलोसिटी u1 है, इसका वेलोसिटी u2 है, तो आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, इसका वेलोसिटी u2 हो जाता है और इसका वेलोसिटी जो है वो u1 हो जाता है, अगर हमारा कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो। अभी क्या है कि लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली कहाँ से आया है? ये आया है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यहाँ पे 1 होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग लगा सकते हैं सिर्फ पैरेलल टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो पैरेलल टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? इसका जो u cos थीटा है वो इस बॉल को मिल जाएगा और इसका जो जीरो है वो इसको मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि जो हमारा ये वाला बॉल होगा वो इधर u cos थीटा के साथ मूव करने लगेगा और ये जो हमारा पहला बॉल है उसका इस डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि दोनों बॉल जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। इज दैट ओके? दे विल मूव इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ अब ये बात डिपेंड करता है कि थीटा क्या है। अगर हमें थोड़ा ज्यादा इंक्वायरी करना है कि भाई यू कॉस थीटा क्या है, स्पीड बताओ, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ जा करके हिट करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे आकर के ये हिट किया, है ना, जस्ट एक एग्जाम्पल पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ, इस पॉइंट पे आकर के हिट किया। लेट अस से ये इसका रेडियस r हो गया, इसका भी रेडियस r हो गया, ये 2r हो गया, और दोनों का जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसके बीच का सेपरेशन हमें कुछ h दिया हुआ है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा ही होगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो cos थीटा हो जाएगा, या sin थीटा के लिए हमारा जो sin थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? h बाई टू आर, है कि नहीं? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ?